बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस के अंदर समाअत थी और खान साहब की बेल हमने अप्लाई की थी, वो आज फिक्स इन कैमरा होगी या और जैसा कि आपको पता है महफूज किए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या कहेंगे? पहले की तरह एक डिले टैक्टस बहाने बनाए जाते हैं और आज वही हुआ कि दूसरी तरफ से जब प्रोसिक्यूटर आए उन्होंने आते ही ये कहा जी के ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए, यहाँ पर वकला और जो साफी और दीगर लोग जो हैं उनको बाहर निकालना चाहिए और इसके ऊपर पहले डिसीजन दिया जाए, बाद में बेल सुनी जाए। हमने अदालत से गुजारिश की, इस्तदा की कि बेल जो है वो अर्जेंट नौयत का मामला है और पहले बेल के ऊपर समाअत कर ली जाए और अगर किसी को निकालना है आप निकाल दें, लेकिन लीगल टीम की हद तक वो यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और आप बेल के ऊपर समाअत करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फैसला जो है वो जैसे कि पहले महफूज होते हैं ये भी फैसला उन्होंने महफूज कर लिया और अब इस फैसले के ऊपर जो है फैसला आने के बाद दोबारा जो है वो समाअत होगी। अब फैसला आ जाता है शाम में आता है या कब आता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने तो उस टाइम रिक्वेस्ट की कि अभी जो है वो फैसला दे दिया जाए, जो भी होना है हम तैयार हैं हर तरह से और आर्गुमेंट्स हमारे सुन लिए जाएं जमानत के ऊपर ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। दूसरे नंबर पर आज अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से हमारी दरखास्त थी और जेल मैनुअल के मुताबिक फैसिलिटीज वो भी हमने सदा की हुई थी, तो आज मौजूद अदालत ने उसके ऊपर फैसला महफूज किया और ये कहा है कि जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। अटक जेल कैसे रखा गया ये अदालत ने भी आज पूछा है उनसे और जब ऑर्डर थे अडियाला जेल के और कानूनी तौर पर अडियाला जेल रखना था तो आपने क्यों उनको अटक जेल रखा? तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने देखा कि कोई उनके पास मुस्तनद दलायल नहीं थे और वो भी बस नजर आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 तारीख से खान साहब इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, यानी कि तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार हुई और उसके बाद साइफर केस में, तो आप देख लें कि उस एक एक दिन का हिसाब कौन देगा जो कि उनके साथ कानून के मुताबिक डील नहीं किया गया, उन्हें अडियाला जेल नहीं रखा गया, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, अब उसके ऊपर फैसला अडियाला जेल के हवाले से भी महफूज है और फैसिलिटीज भी पढ़कर सुनाई गई तो वो भी हमें उम्मीद है कि उस मुताबिक फैसला आएगा। और चौथी चीज ये है कि जब आज समन हुए थे अदालत की तरफ से कि खान साहब को पेश किया जाए तो क्यों खान साहब की तस्वीर से उनकी वीडियो से डर है? एक सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं और उनको पेश नहीं किया जा सकता। रियासत का काम है सिक्योरिटी देना, शहरियों की हिफाजत करना रियासत का काम है और इंतजामिया को चाहिए था कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते, बल्कि अदालत ये हुक्म देती कि इंतजामिया सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाते हुए उनको पेश करें। अब एक बहाना बनाया गया है और ये बहाना पहले भी बनाया गया, कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहाना बनाया गया कि उसके तहत मुकदमा चल रहा है और कभी ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती थी और दूसरे नंबर पर यह है कि उनको समन किया जा सकता था जो कि जमानतें उनकी खारिज हुई, उस वक्त भी यही हुआ और आज जब अदालत बुला रही है तो पेश नहीं किया जा रहा। तो मेरी गुजारिश यही होगी आला अदलिया से कि इमरान खान साहब को मुसलसल जो है इंसाफ से डिले है वो किया जा रहा है और डिले करना जो है इंसाफ से इनकार करने के बराबर है, तो लिहाजा उनकी तमाम दरखास्तों पर जल्दी फैसला हो। उनकी जो साइफर केस के अंदर जमानत है ये अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके ऊपर फौरन फैसला दिया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सके। बहुत शुक्रिया।